हे गाइस, प्रिवियत, कैसे हैं आप लोग? यार मैं एक बड़ी ज़रूरी बात बताने लगा हूँ, ठीक है? मैं क्लास बंक कर गया, चुपके से बैठा हुआ हूँ। यहाँ को एरिया, ये एरिया है ठीक है, ये लाइब्रेरी टाइप का बना हुआ है, यहाँ तुम पढ़ सकते हो। ये बैकग्राउंड पे जो है ना, पूरे तीन मिनट का मैप बनाया हुआ है भाई। लेकिन यार बात बड़ी ज़रूरी बताने लगा हूँ यार। सीन ऐसा है ना यार, बाहर मत आना, ठीक है? बाहर आना चाह रहे हो ना तो मैं आपको एक एडवाइस दे दूँ। मैं भी क्लास बंक मार गया, मतलब क्लास चल रही है मेरी, टॉयलेट का बहाना करके यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ यार। अभी तकरीबन 10-15 दिन पहले हमारी छुट्टियाँ पड़ी हमें 10 दिन की, ठीक है? तो उन एक हफ्ते में हमारे इतने टेस्ट हुए जितने लिए जा सकते थे। फिर भी एक हफ्ते में कितने लिए जा सकते थे? तो यार बेजार हो गए थे, बेड़ा गर्क हो गया था हमारा, ठीक है? हम इतने मतलब कि हालत टाइट हो गई थी, हम छुट्टियों में 5 दिन तो घर में पड़े रहे, ठीक है, मुर्दों की तरह। अच्छा, उसके बाद अभी क्लासेस ख़त्म हुई, क्लासेस ख़त्म होने के बाद अभी नेक्स्ट वीक हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स हैं सेमेस्टर के, और हमें उसका नहीं पढ़ाया जा रहा है। हमें सेमेस्टर के आगे जो टॉपिक स्टार्ट होंगे ना, हमें वो पढ़ाए जा रहे हैं। अब हमारी जो टीचर है ना, जो भी इस वक्त पढ़ा रही हुआ है, ग्रामर की टीचर। अब जो ग्रामर की टीचर है वो ऐसी है कि वो 5 मिनट में आपको पूरा टॉपिक ख़त्म करवा दे भाई। बोले जाए, बोले जाए, बोले जाए, बोला अब चुप ही ना हो। मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार, मैं पागल हो रहा हूँ भाई। मैं यहाँ सुबह 11 बजे का मैंने खाना खाया हुआ, ठीक है, नाश्ता किया हुआ मैंने, उसके बाद मैंने पानी तक नहीं पिया यार। मैं मतलब कि पानी की बात तो अलग, मतलब खाना में कुछ भी नहीं खाया यार। मेरी जो है ना, पेट से मैं अभी पढ़ रहा हूँ, क्लास में बैठा हुआ, मेरे पेट से आवाज़ आ रही है गुड़ 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 गुड़। भाई कोई खुदा का खौफ करो, बस कर दो भाई, थोड़ी सांस ले लो, बच्चों की जान लोगे क्या? अच्छा, यहाँ दूसरा मसला है, कैफेटेरिया यहाँ पे 5 बजे हो जाता है बंद। अब कैफेटेरिया भी बंद है, अब मैं घर भी नहीं जा सकता, ठीक है, क्लास ख़त्म करने के बाद ही जाना पड़ेगा। अब मैं इतने अंधेरे में यहाँ चुपके बैठा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ दूसरी लाइब्रेरी, अगर वहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ टीचर्स और डायरेक्टर वगैरह बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने मुझे देख लिया वो बोलेंगे अब्दुल स्तोदी दिलाइश, फिर मैंने क्या बोलना है? मैंने बोला नहीं यार, इज्जू नहीं थी, और जो ना मैं तो टॉयलेट के बहाने आया हूँ, और ये मतलब कि वो फिर जो ना मुझे वापस क्लास में भेज देंगे यार। तो सीन जो है ना, सीन यहाँ बहुत गड़बड़ है, यहाँ मत आना भाई। यूनिवर्सिटी में पढ़ो, जब चाहो क्लास लो, जब चाहो निकल जाओ, जब चाहो कुछ भी करो यार, मतलब कि मज़े में हो यार तुम लोग। मैं सही बता रहा हूँ, पाकिस्तानी हो तुम लोग, मज़े में हो, ज़िंदगी इंजॉय करो, ज़िंदगी इंजॉय करो यार। तुम लोग यहाँ आने की जो ना मत सोचो, ठीक है, बेवकूफ़ी है, मत आओ भाई स्टडी अब्रोड के। पाकिस्तान में जाओ, पाकिस्तान में बैठे रहो यार, वहाँ पढ़ते रहो, ठीक है, थोड़ा सा खर्चा होगा। यहाँ तुम्हारे खर्चे भी ज़्यादा होंगे, या तुम्हारी टेंशन भी ज़्यादा होगी, मसले मसाइल भी ज़्यादा होंगे, और फैमिली के बारे में अलग सोचोगे। मत आओ, पढ़े रहो पाकिस्तान में, सही बता रहा हूँ यार। ये इन्होंने वैसे सही बनाया हुआ है कि भाई इन्होंने लेटने की जगह बनाई हुई है, फुल मस्त मकान हो गया, बंदा लेट ले भाई यहाँ पे सो जाए बंदा बिल्कुल। एक बार मैं सो गया था, एक स्टोरी बनाता हूँ। एक बार मैं आया, ठीक है, खैर उस दिन मैं क्लास बंक करके नहीं आया था। उस दिन जो ना मैं एक क्लास से जल्दी, मतलब कि हमारी क्लास स्टार्ट होनी थी 3 बजे, और मैं अपनी टाइमिंग पर आ गया था 2 बजे, मतलब 2 बजे 1.5 बजे मैं आ गया था। अब मेरे पास टाइम था तो मैं सो गया। अब मैं सोया तो मैं ऐसा सोया कि मैं क्लास भी निकल गई, मेरी टाइम भी गुजर गया। क्लास के बाद, हर क्लास के बाद 15 मिनट का ब्रेक होता है, तो 15 मिनट के ब्रेक में मेरे दोस्त आए यहाँ बैठेंगे, फिर उन्होंने मुझे उठाया। तो भाई इतना थक जाता है कि बंदा एक बार सो जाए ना, पता भी नहीं लगता बंदे को। अच्छा, जब मैं शुरू में आया ना, तो इन लोगों ने जगह जगह पर रिलैक्सेशन के लिए सीट्स वगैरह बनाई हुई है, बिस्तर मतलब बहुत ही मुलायम गद्दे उन्होंने लगाए हुए हैं, ठीक है, बंदा सो जाए बस, ठीक है। अब उससे यहाँ तो मुझे समझ में नहीं आया, अभी मुझे समझ में आ रहा है क्यों लगाए थे, ठीक है, तो वो हम जैसे पागलों के लिए लगाए होते हैं। अब हम दूसरा काम करते हैं, यहाँ से कॉपी उठाते हैं, बुक उठाते हैं, ताकि कोई भी आ जाए ना तो उन्हें लगे भाई जो ना पढ़ रहा है बच्चा, पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, फजूल नहीं बैठा हुआ। तो हम ये किताब उठाते हैं, कोई भी एक उठा लेते हैं, क्या ये यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के मुताबिक कोई किताब है, चलो ये उठाते हैं भाई। मॉडलिंग मैगजीन नहीं है भाई ये, मैं सही बता रहा हूँ, ये किताब है, UTMN लिखा हुआ है इसमें। UTMN का मतलब है हमारी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। अच्छा, इसमें ये फंक्शन वगैरह के बारे में, क्या बात है यार, ये एक मजाइया वीडियो है, इसका मकसद बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट या डिग्रेड करना नहीं है। पाकिस्तान से निकलो, पाकिस्तान के लिए कुछ करो, कैन डू एनीथिंग, गुड बाय, पक्का।